All set. Hi, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I am so glad that you really like the video I posted last time of Meesho suits, and here I am with yet another haul video of the same. Before we get started with the video, I want to show you the suit that I'm wearing. This suit is from Myntra and this looks so classy. I am also going to attach a video of the same so you can understand how it actually looks like after wearing. And ये वाला सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. इसका फैब्रिक कॉटन में है एंड जो इस पर प्रिंट हो रखा है वो बहुत ही प्यारा लगता है. एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी एबल टू सी द सेम इन द वीडियो एज वेल. एंड आप मुझे इसका भी बताना कि आपको ये वाला सूट कैसा लगा. एंड वुड यू वॉन्ट मी टू क्रिएट वीडियोज ऑफ दीज काइंड ऑफ सूट्स? इफ़ येस देन आई वुड श्योरली वॉन्ट टू डू दैट. Okay, so now let's get started with the suits that I have bought from Meesho. I have bought around 9 suits and I think if I show all the suits in one video, the video is going to be really long. So I have split this video into 2 parts. I am going to post one part today and one part I will be posting next week. Okay, let's talk about the first suit that I got from Meesho. ये बहुत ही प्यारे कलर में है, मरून कलर में है. एंड ये पूरा देखने में कुछ इस तरह से लगता है. इसका कुर्ता इस पर बहुत ही प्यारा काम हो रखा है, इस तरह से गोल्डन और मरून कलर का चिकनकारी वर्क है पूरे कुर्ते पर. और जो इसका प्लाजो है साथ में वो एकदम प्लेन है पूरे प्लाजो पे, कहीं किसी तरह का कोई भी काम नहीं है. एंड सेम इज़ दी केस विद दुपट्टा एज वेल. दुपट्टा भी एकदम सिंपल है, सिर्फ इसके बॉर्डर पर इस तरह से लेस लगा हुआ है गोल्डन कलर का, जो कि कुर्ते पर काम हो रखा है उसको बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है. एंड पूरा जो सूट का लुक है वो बहुत ही प्यारा निकल कर आता है, क्योंकि सारी चीज़ें प्लाजो हो गया, दुपट्टा हो गया, कुर्ता हो गया, सारी चीज़ें एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है. अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसको रेकमेंड करूँगी घर में छोटी मोटी पूजा के लिए, छोटे मोटे फंक्शन के लिए, ऑफिस वेयर के लिए भी ये एकदम परफेक्ट है. बट ये कोई बहुत बड़े फंक्शन में पहनने के लिए आई वुडेंट रेकमेंड दिस वन, क्योंकि इतना हैवी सूट नहीं है. बाकी मैंने सारे डिटेल्स इसके साइड में अटैच कर रखे हैं सो दैट यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर योरसेल्फ कि आपको साइज़ के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, कलर के हिसाब से अपने लिए लेना है नहीं लेना है. बाकी मैंने पहनकर दिखाया है तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि पहनने के बाद इसका पूरा लुक किस तरह से निकल कर आ रहा है. सो इफ़ यू आस्क मी टू रेट दिस वन, आई वुड रेट दिस 8/10, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी फिनिश पर थोड़ा और काम हो सकता है. बाकी तो आप पूरा देख ही पा रहे हैं कि कैसा है कैसा नहीं है. एंड प्राइस के हिसाब से आई वुड से दिस इज़ अ वेरी डिसेंट पीस. सेकेंड इज़ दिस वन इन ब्लैक. अगर डेट पर पहन जाना है और एथनिक पहनना है, जस्ट गो फॉर दिस वन. शायद वीडियो में इसका कलर इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ अ नाइस ब्लैक कलर. हो सकता है कि अभी वीडियो में थोड़ा फेडेड लग रहा है, बट दैट्स नॉट द केस. इसका कलर बहुत ही सटल प्यारा ब्लैक है. एंड इसके कुर्ते पर कुछ इस तरह से काम हो रखा है, पूरे कुर्ते पर काम हो रखा है. इट्स ऑल मशीन वर्क. एंड जो इसका प्लाजो है उस पर भी ऐसे नीचे काम हो रखा है. तो पूरा जो इसका लुक आ रहा है, इसका लुक भी बहुत ही प्यारा निकल कर आ रहा है. दुपट्टा इज़ ऑल्सो वेरी एलिगेंट, बॉर्डर पे कुछ इस तरह से बहुत ही हल्का सा काम और साथ में इस तरह से छोटी छोटी बूटियाँ भी बनी हुई है इसमें, एज़ यू कैन सी इन द वीडियो एज वेल. और जो मैंने साइड में वीडियो अटैच करी है उसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा ये जो सूट है पहनने के बाद कैसा लग रहा है. ये ना बहुत ही पाकिस्तानी सूट काइंड ऑफ लुक दे रहा है. मुझे इस तरह के सूट बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो थोड़े ढीले ढीले होते हैं, बॉडी हगिंग नहीं होते हैं, एंड पहनने के बाद बहुत ही एलिगेंट मॉडेस्ट लुक देते हैं. रेडी फॉर नेक्स्ट वन. दिस इज़ ऑफ वाइट इन कलर और ये एकदम प्रिंसेस वाइब वाला सूट है. एंड इसको पहनने के बाद दिल एकदम खुश हो जाता है. मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि मीशो से आप इस तरह की क्वालिटी कम ही एक्सपेक्ट करते हो, और जब आती है ना तो इतना मन को सुकून मिलता है कि यार वाह, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था ये बिल्कुल वैसा निकल कर आया जैसे आपने पिक्चराइज विजुअलाइज किया था फोटोज़ को देखकर. तो अब तो मेरा मीशो पर ऑनेस्टली ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा है. एंड जो मैंने रिकमेंडेशन दिए हैं उसके हिसाब से आप जाओगे तो आपका भी एक्सपीरियंस मीशो पर बहुत ही अच्छा रहेगा. लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. तो ये सूट कुछ इस तरह से
दिखाई देता है, बहुत ही प्यारा काम हो रखा है इसके आगे और पीछे भी कुछ ऐसे, एंड सी स्लीव्स पर बहुत ही हल्का हल्का सा काम है दोनों स्लीव्स पर, ऑफ कोर्स सेम काम रहेगा। तो मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लगा, और इसके प्लाजो पर भी बिल्कुल इसी तरह से काम हो रखा है, मिरर वर्क है नीचे, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। और जो इसका दुपट्टा है, सूट और प्लाजो दोनों को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। मुझे इसमें जो चीज़ थोड़ी पसंद नहीं आई वो दुपट्टे पर जो ये बीच बीच में काम है, मतलब मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ में आया कि इसकी क्या नीड थी। इसके बिना ये दुपट्टा बहुत ही एलिगेंट लग रहा था, सिर्फ इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये स्टेन्स पड़े हुए हैं, और या फिर गलती से शायद एक स्टेन लग गया और उसको ऐसे पैटर्न बनाने के लिए पूरे दुपट्टे पर प्रिंट कर दिया है। अदरवाइज उसके अलावा मैं पूरे सूट को देखूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो दिस वन, जस्ट बिकॉज ऑफ द दुपट्टा आई एम गोइंग टू रेट दिस वन 7/10। अदरवाइज ये इतना प्यारा हैवी सूट है कि आप कहीं पर भी फंक्शन में पहन कर जा सकते हैं, और छोटे मोटे ऑफिस के गैदरिंग में भी पहन सकते हैं, पूजा पे तो ऑफ कोर्स पहन सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सूट था, सिर्फ इसके दुपट्टे ने ना इसका लुक थोड़ा खराब कर दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम रेटिंग दिस वन सो लो, अदरवाइज मुझे इसका पूरा लुक बहुत ही प्यारा लगा था। ये जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा होते हैं ना, मैंने वहाँ पर उन एक्ट्रेसेस को इस तरह के सूट पहने हुए देखे हैं, हैवी एलिगेंट सूट जो उनके ऊपर तो बहुत ही प्यारे लगते थे, और अब जब मैंने ट्राई किया तो मुझे अपने ऊपर भी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड आप अपने ऊपर ट्राई करेंगे, अपने लिए लेंगे तो आपके ऊपर भी ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। लेट मी शो यू दिस वन, जस्ट हैव अ लुक एट दिस वन। पूरा सूट एकदम भरा हुआ है, और इतना भरा हुआ काम होने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा, मतलब इसका लुक इतना एलिगेंट निकल के आ रहा है। स्लीव्स पर बस ये यहाँ पर इस तरह का थोड़ा गोटा पट्टी का और जरी का काम है, जिसकी वजह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड जो इसका कलर कॉन्ट्रास्ट है ग्रीन के साथ, जो ये यहाँ पर ब्लू कलर दिया है, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। और सेम प्लाजो पर भी है, प्लाजो में ऊपर ये इस तरह का कलर दे रखा है, और नीचे दोनों ही कलर का काम हो रखा है और जरी का काम हो रखा है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है पूरा पहनने के बाद। और दुपट्टा भी दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कुछ इस तरह का है, बीच में जरी का थोड़ा थोड़ा बूटी के टाइप में इसमें काम हो रखा है, तो पूरा ही ये पीस बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो आप किसी भी फंक्शन में मतलब इतना आराम से पहन सकते हो, एंड पूरे फंक्शन में सिर्फ आप ही दिखाई दोगे ये वाला सूट पहनने के बाद। ये वाला सूट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस वन आई एम गोइंग टू रेट 9/10, क्योंकि इसके दुपट्टे में थोड़ा थोड़ा इधर उधर धागे निकले हुए हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ एक्सपेक्टेड जब इतना हैवी काम होता है तो। अदरवाइज उसके अलावा पूरा सूट बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही प्यारा है, एंड लुक तो आप इसका पूरा देख ही पा रहे हो कि इतना हैवी सूट है। एंड मुझे ये वाला बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, जो इस पूरे वीडियो का शो स्टॉपर है। मतलब इतना प्यारा सूट कि उसे पहनने के बाद मुझे खुद से प्यार हो गया, इतना प्यारा सूट है। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखकर आप भी इस पर फिदा हो जाओगे, बहुत ही प्यारा है। मतलब मीशो, व्हाट आर यू डूइंग यार, आपने एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा रेज कर दी है कि मैं हर बार जब यहाँ से कुछ भी ऑर्डर करूँगी तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होने वाली है। एंड प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट डिसअपॉइंट मी एट ऑल। हैव अ लुक, ये इसका प्लाजो है, एंड पिंक कलर में है, ब्राइट पिंक, और इसमें नीचे इस तरह से काम हो रखा है, हैवी हैवी काम है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोनों को मैं एक बार साथ में भी दिखाती हूँ। ये इसका कुर्ता है, इसकी मुझे थोड़ी फिटिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि मुझे ये स्मॉल साइज में, शायद स्मॉल साइज में नहीं मिला था, ये मीडियम साइज में, तो मैंने जो वीडियो में आपको दिखाया मैंने पीछे क्लच कर रखा है। एंड एक बार जब मैं इसका ऑल्टरेशन करवा दूंगी उसके बाद मैं इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी कि कैसा लग रहा है। बट यार मतलब कितना प्यारा काम है इस पे। अब मैंने पहले ब्लैक वाले को अपना पर्सनल फेवरेट बता दिया था क्योंकि मैंने तब तक ये वाला ट्राई नहीं किया था, अब ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। इतना इतना प्यारा है, क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इस वाले को तो डिफाइन करने के लिए। एंड जस्ट लुक एट इट्स दुपट्टा, इस पे बॉर्डर पर इस तरह लेस लगी हुई है और बीच में जरी की ऐसे बूटियाँ बनी हुई है जो बहुत ही प्यारी लग रही है। सो येलो एंड पिंक वैसे ही अपने आप में इतना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है,
पूरा सूट में जो दुपट्टा है और कुर्ता है, प्लाजो है, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो अगर आप राखी के लिए कोई सूट की रिकमेंडेशन में से पूछते हैं, सो आई वुड रिकमेंड दिस वन। इतना ब्राइट कलर है, ब्राइट वैसा ब्राइट नहीं है जो आंखों में चुभता है, वो वाला ब्राइट है जो बहुत ही प्यारा लगता है। एंड दिस वन, नो डाउट आई एम गोइंग टू रेट दिस वन 10/10, एंड यू कैन श्योरली अंडरस्टैंड द रीजन बाय लुकिंग एट द वीडियो अटैच्ड विद दिस वन, ये पूरा कितना अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा, आप मुझे बताओ, लग रहा है ना? सबसे अच्छा यही वाला लग रहा है। ओके पीपल, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव ऑन ऑल ऑफ माई वीडियोज़, एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग एंड पोस्टिंग सच वीडियोज़ ऑफ मीशो कॉन्टेंट अंदर एंड अदर ब्रांड्स एज वेल। फिलहाल के लिए मैं मीशो को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, एंड मुझे वहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप मुझे इस वाले वीडियोज़ पर अपने कॉमेंट जरूर शेयर करना कि आपको इस तरह हैवी सूट्स देखने हैं या फिर ऑफिस वेयर, सिंपल एथनिक वेयर चाहिए, कुर्तीज चाहिए, टॉप का चाहिए, मतलब जस्ट गिव मी सम रिकमेंडेशन सो दैट आई ऑल्सो हैव सम आइडियाज ऑन विच आई कैन क्रिएट माई कॉन्टेंट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द रिकमेंडेशन गिवन बाई मी। थैंक यू सो मच, इफ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।